इस गाय के पूरे शरीर को पेपिलोमा नामक वायरस ने अपना घर बना लिया था। हमें रेस्क्यू लाइन पे एक कॉल आया जिसमें हमें सिर्फ यह बताया गया कि एक गाय को बहुत बड़ा मैगट वुंड हो गया है और वो बहुत बुरी हालत में है। वैसे यह हमारे दायरे के बहुत दूर था, लेकिन वीडियो में देख के पता चल रहा था कि हमने उसकी मदद नहीं की तो कीड़े जिंदा ही उसके शरीर को सड़ा देंगे। इस वक्त हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे बहुत ही भयानक स्किन कंडीशन भी है। हमने अपनी तैयारी करी और तुरंत निकल गए। नमस्कार सर। क्या हुआ? उसको भी बड़ी क्रॉनिकल स्किन डिजीज है, बहुत ज्यादा हालत खराब है उसकी, कीड़े भी पड़ गए हैं जख्म में। जब हमने गाय को देखा तो पता चला कि उसको सिर्फ मैगट वुंड ही नहीं बल्कि उसको एक बहुत ही खतरनाक वायरल स्किन डिजीज भी है, जिसे मेडिकल टर्म्स में बोवाइन पेपिलोमा कहते हैं और बोलचाल की भाषा में मस्सा भी कहते हैं। गाय एक नहर में थी जिसे लोगों ने कूड़ा फेंक फेंक कर नाला बना दिया था, लेकिन वहां पे एक सब्जी वाले अंकल पहले ही उस गाय की मदद करने आए हुए थे। गाय को ऐसी अवस्था में देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने खुद ही उसका उपचार करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। कीड़ों को मारने के लिए वो उसके घाव पे पेट्रोल डालने ही वाले थे कि हम वहां पे पहुंच गए और हमने उन्हें रोक दिया। अगर उन्होंने उसके घाव पर पेट्रोल डाल दिया होता तो गाय की स्थिति और खराब हो सकती थी। बेहतर यह है कि मैगेट उन्स के लिए आप मेगासाइट या मेगासुंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर ने कहा था कि गाय बैठी हुई है पर वो खड़ी थी। कॉलर की यह बात सुनकर हम डार्ट गन नहीं लाए थे। हमने उसके सामने फल रख दिया। हमने सोचा कि जैसे ही वो फल खाने आएगी वैसे ही हम उसके गले में रस्सी डाल देंगे, पर जब हम उसको रस्सी डालने गए तो वो हमसे डर के भाग गई। साहिल भैया थोड़ा आराम उस तरफ करो ना, पानी है, तुमको भी तकलीफ हो जाएगा। कमजोर होने के कारण गाय काफी सुस्त थी, इसलिए वो ज्यादा भाग नहीं रही थी। हम भी ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे थे क्योंकि पानी और पत्थर होने के कारण गाय के फिसल के चोट लगने का खतरा था। हम उसे पानी से बाहर निकालने में जुट गए। सूखी जगह पे आते ही हमने उसके गले में रस्सी डाल दी। उसके शरीर के अगले हिस्से को देख ऐसा व्यतीत हो रहा था जैसे वाट्स ने उसके चमड़ी को सड़ा दिया है। यह वाट कम नहीं था कि उसके कंधे पे बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा था जिसमें कीड़े लग गए थे। वैसे तो वाट बीमारी में शरीर की खाल देखने में बहुत दर्दनाक लगती है, पर शुक्र की बात यह थी कि इसके होने की वजह से कोई दर्द नहीं होता है। पर इसकी ऐसी दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है? अब कहने को तो लोगों ने गायों को माँ का दर्जा दे रखा है, पर क्या कोई अपने माँ के बूढ़े और बीमार हो जाने पर उसके साथ ऐसा करेगा? लोगों से पूछो तो वो कहते हैं सरकार को ज्यादा से ज्यादा गौशालाएं बनानी चाहिए, पर क्या यही बात लोग तब भी कहेंगे कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा वृद्ध आश्रम बनाने चाहिए जब इंसान अपनी माँ को बेसहारा छोड़ देगा? अगर हाँ तो माँ इंसान की हो चाहे जानवर की, उस व्यक्ति को माँ बोलने का कोई हक नहीं है।